तो गाइस अभी हम कार में तो बैठ चुके हैं तो हमें कुछ भी करके यहाँ से निकलना है। यो गाइस कैसे हो आप लोग, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सोच रहे होगे कि फ्रैंकलिन कहाँ पर निकल पड़ा है। तो गाइस आपको पता ही होगा कि फ्रैंकलिन के पास कोई ढंग की कार नहीं है जो और लेकर घूम सके, तो उसने ये बात लैमर को बता दी। तो लैमर ने उसे अभी अभी एक सुपर स्टार सलमान खान के कार की लोकेशन फ्रैंकलिन को भेज दी। तो अभी फटाफट से उस लोकेशन को कर देते सेट हमारे गूगल मैप है और निकलते हैं यहाँ से और हमारे कार के यहाँ पर जाते हैं। तो जो हमें कार अभी आज चुरानी है, तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस अभी हम निकलते हैं, यहाँ से बस थोड़ा ही किलोमीटर दूर हमारा जो लोकेशन है, तो शायद से हमारा जो लोकेशन है वो फिल्म सिटी का लोकेशन है। तो चलो जल्दी से निकलते हैं यहाँ से और जाकर देखते हैं कि हमारी कार वहाँ पर है कि नहीं। तो गाइस आज हम सलमान खान की कार चुराने वाले हैं, तो शायद से सलमान खान के आजू बाजू में बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी होगा। तो हम अभी वहाँ पर जाते हैं, वहाँ का सिचुएशन देखे और पहले एम्यूनेशन की शॉप पर जाके हमारे थोड़ा बुलेट्स और थोड़ा गन वन खरीद लेते हैं ताकि कोई सिक्योरिटी हो तो हम उनसे आसानी से फाइट कर सके। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं फिल्म सिटी के यहाँ पर, तो अभी ये गेट से ट्राई करते हैं एंटर करने का, लेकिन यहाँ ये गेट तो बंद है तो शायद हमें दूसरे गेट से जाना पड़ेगा। चलो देखते हैं दूसरा गेट ओपन है कि नहीं। लेकिन ओ शिट, यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड मची हुई है, यहाँ पर रुककर तो कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ से पहले एम्यूनेशन की शॉप पर जाते, थोड़ा गन्स वंस लेते हैं और बाद में आकर देखते हैं कि क्या यहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्या हुआ है। पक्का मुझे ऐसा लग तो रहा है कि ये लोग सलमान खान के फैंस है, लेकिन पता नहीं। पहले हम एम्यूनेशन की शॉप पर जाके हमारे गन्स को ले लेते हैं। ओ आंटी जी, आंटी जी बहुत बहुत गंदी बच्ची है। अभी थोड़ी सी थोड़ा सा आगे होती है तो पक्का टूट जाती है। और यहाँ से लेफ्ट लेके यहाँ पर हमारा एम्यूनेशन का शॉप आ चुका है। तो अभी हम थोड़ा गन्स वंस ले लेते हैं हमारे लिए। तो गाइस अभी हमारी गन्स की शॉपिंग पूरी हो चुकी है, तो अभी हम हमारे लोकेशन पे जाकर देखते हैं कि वहाँ पर कितनी सिक्योरिटी है और अंदर जाने के लिए इजीली एंट्री मिल रही है कि नहीं। तो हमें कहाँ से तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। गाइस अगर आपको बाइक अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं अगर एमआर से जरूर ये बाइक ले लूंगा। यहाँ से शायद हमें राइट लेना है, तो हाँ तो यही तो पहले हम यहाँ पर हमारी बाइक पार्क करते हैं और यहाँ से चुप कर देखते हैं कि हम वहाँ पर पक्का क्या चल रहा है। हमारे स्नाइपर निकल लेते हैं तो थोड़ा सा आगे जाकर देखते हैं कि पक्का मामला क्या है यहाँ पर। तो ये देखिए गाइस कैसे नाच रहे हैं ये लोग, शायद सलमान खान के फैंस है। और यहाँ पर मुझे थोड़ी बहुत सिक्योरिटी भी लग रही है, तो ये गेट से तो हम जा नहीं सकते, हमें कोई तो दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो मुझे एक छोटा गेट दिख रहा है, अगर हमें दूसरा कोई रास्ता नहीं मिला तो हमें यही गेट से जाना पड़ेगा। अभी ये गेट से भी जा सकते थे, लेकिन अगर कोई सीन हो गया तो खामखा ये फैंस लोग को भी तकलीफ हो जाएगी। इससे अच्छा हम वो छोटे गेट से ही जंप करके अंदर चले जाते हैं। लेकिन ये भाई साहब ये बताएगा तो नहीं ना कि हम यहाँ से गए थे। लेकिन कोई ना, हम बता देंगे कि हम यहाँ पर ऑडिशंस के लिए आए थे। तो यहाँ पर तो तीन कॉप्स दिख रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम जंप करके तो देखते हैं, अगर कुछ चिल्लाए वगैरह तो वापस बाहर आ जाएंगे। तो हम ये भी तो बता सकते हैं कि यहाँ पर ऑडिशंस के लिए आए हैं और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारे पास गन्स वंस तो है ही। तो अरे शिट, शायद इन्होंने मुझे देख लिया। नहीं ये हमसे नहीं बात कर रहे, मुझे लगा मेरे से बात कर रहे थे। गाइस मुझे तो यहाँ पर कोई पहचान नहीं पाया, लेकिन क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं यहाँ पर ऑडिशन देने आया हूँ। तो ये देखो गाइस सलमान खान की फैंस उसके लिए यहाँ पर वेट कर रही है। ओ भाई यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा वैनिटी वैन से और शायद आगे कोई तो सिक्योरिटी खड़ी है। तो यहाँ से चुप कर देखते हैं कि पक्का कितनी सिक्योरिटी और सलमान खान की कार वहाँ पर है कि नहीं। तो यहाँ से बड़े आराम से चलेंगे और उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ पर कार चुराने के लिए आए। तो ये देखो यहाँ पर ये लोग सलमान खान की कार के साथ सेल्फी निकल रहे हैं। तो ये देखो गाइस सलमान खान की कार तो यहीं पर है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी हो रखी है और ये पुलिस की कार भी चालू है। मतलब अगर हमने कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो ये लोग हमें गोली से तो उड़ा लेंगे और तुरंत हमारे पीछे भी आ जाएंगे अगर हमने कार में बैठने की कोशिश की तो। इससे अच्छा हम पीछे से जाने का कोशिश करेंगे और यहाँ से राइट लेकर तो बस अभी यहाँ से सीधा। तो हाँ गाइस हमें यही चाहिए था। तो अभी हमारे स्नाइपर निकल लेते हैं और यहाँ से हमारे एक एक टारगेट को उड़ाने को चालू करते हैं। टारगेट को उड़ाते ही थ्री स्टार की पुलिस तो पीछे लग चुकी है, लेकिन अभी ये लोग मेरे ऊपर फायर करने लगे तो अभी इन्हें भी मार देते फटाफट से। कुछ भी करके कार में जाकर बैठना है क्योंकि उसके सलमान खान की कार पूरी बुलेट प्रूफ है, तो हमें कोई भी गोली तो अंदर लगने वाली नहीं है।
तो गाइस अभी हम कार में तो बैठ चुके हैं, तो हमें कुछ भी करके यहाँ से निकलना है और कहीं भी जाकर रुकना नहीं है बस। बाकी ये कार पूरी बुलेट प्रूफ है तो हमें गोली तो लगने वाली नहीं है। तो ये ले बेटा। तो गाइस अभी हमें कुछ भी करके फ्रीवे ज्वाइन करना ताकि हम वहाँ से आसानी से भाग सके। यहाँ से शायद लेफ्ट लेने के बाद, अरे यार कार तो बहुत ही यार कंट्रोल के बाहर जा रही है। ये रहा फ्रीवे का एंट्रेंस, तो अभी हमें यहाँ से सीधा अंदर एंटर करना है फ्रीवे में और कुछ भी करके एक टनल ढूंढना है ताकि हमें चॉपर से छुटकारा मिल जाए। और एक बार चॉपर से छुटकारा मिल गया तो हमारे पीछे के जो पुलिस है उनसे भी हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो हमें कुछ भी करके अभी यहाँ पे टनल ढूंढना है और शायद से यहाँ से आगे जाने के बाद एक टनल है, तो अभी हम देख लेते हैं कि वहाँ पर ये टनल है कि और आगे जाना पड़ेगा हमें। देखो गाइस यहाँ पर है हमारा टनल, इसमें हमें एंटर करना है। लेकिन अरे यार ये तो बहुत ही गलत सीन हो गया, तो अभी यहाँ से हमें निकलना होगा फटाफट से और टर्न मार के वापस ट्राई करते हैं एक बार टनल के अंदर जाने के लिए। तो गाइस हमने यहाँ पर सक्सेसफुली टनल के अंदर एंटर कर लिया है। अभी यहाँ से सिर्फ आगे बढ़ना है और रुकना नहीं है ताकि हमारे जो स्टार है वो निकल जाए। अरे यार मैं तो भूल गया था, हमारे कार का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज़्यादा कम है, तो हमें यहाँ से धीरे से कार अंदरने पड़ेगी। यहाँ पर वर्कर्स तो काम कर रहे हैं, मतलब ये लोग को जरूर बताएंगे हम लोग यार ये रास्ते से गुजरे थे, तो इन्हें भी हमें मारना पड़ेगा अभी। तो ये देखो ये गाइस ये भाग रहा है, मतलब ये पक्का पुलिस को बताने जाने वाला था अभी कि हम लोग ये रास्ते से जा रहे हैं। तो शायद आगे यहाँ से जाने के बाद हमें मेट्रो का ट्रैक मिल जाए। ये देखो गाइस यहाँ पर है मेट्रो का ट्रैक, तो अभी हम यहाँ पर रुकते हैं और बेनी को कॉल करते हैं और उसे पूछते हैं कि उसे कहाँ पर मिलना है और उसे कॉल पे ये भी बताते हैं कि हमने एक कार सुराई है सुपरस्टार की और हमें उसे मॉडिफाई करना है और कलर वलर चेंज करना है, प्लेट वगैरह भी चेंज कर देनी है। तो अभी कर देते कॉल अभी बेनी को। बेनी से मेरी बात हो चुकी है और उसने हमें उसका सीक्रेट गैराज का लोकेशन दे दिया है, तो हमें बस और गैराज पर जाना है और हमें ये टनल से बाहर निकलते ही उसका सीक्रेट गैराज है, तो हमें कोई टेंशन नहीं कि हमें वापस कोई कॉप देख ले। तो अभी यहाँ से सीधा आगे बढ़ते हैं। तो हमारे कार की साउंड और क्रैकिंग तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अभी हमें कुछ भी करके मेट्रो से आगे जाना पड़ेगा, नहीं तो किसी ने मेट्रो से फोटो वोटो निकाल के भेज दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये कार का स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा औसम है, अरे तारीफ करती है कार ने, बेइज्जती भी करवा दी कोई ना। तो यहाँ से सीधा जाके शायद यहाँ से यहाँ पर ही सामने एक गैराज है बेनी का। देखो गाइस यहाँ पर है बेनी का गैराज, तो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं बेनी कहाँ पर है। तो यहाँ पर तो बेनी दिख तो नहीं रहा है, तो अभी यहाँ से बाहर जाकर बेनी को कॉल करके पूछते हैं कि बेनी कहाँ पर है। तो अभी मेरी बहनी से बात हो गई और उसने कहा है कि वो अंदर वाले सीक्रेट ऑफिस के बाहर खड़ा है, तो अभी हम वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं। शिट शायद हमें वापस पुलिस ने देख लिया है। तो ये रहेगा गाइस यहाँ पर बेनी खड़ा है ऑफिस के बाहर, तो अभी यहाँ पर कार पार्क करते हैं और इसे बात करते हैं और इसे बता देते सब कुछ।
तो बेनी ने मुझे बताया कि कार एक शेड के अंदर गैराज में पार्क कर दे, नहीं तो यहाँ पर यहाँ से ऊपर जो चॉपर गुजर रहे उन्होंने अगर देख लिया तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा और कार तेरे से लेके जाएगी। बेनी को सब कुछ बता दिया कि हमें कार कैसा मॉडिफाई करना है, तो अभी बस हमें यहाँ पर कार हमारी पार्क करनी है और चले जाना है। और 2 से 3 दिन में बेनी ने कहा है कि हमें हमारी कार वापस दे देगा मॉडिफाई करके, तो देखते तभी। गाइस हमारी कार तो हो चुकी है यहाँ पर पार्क, लेकिन मैंने आपको कार का वॉक अराउंड नहीं दिया। तो ये देखो गाइस, ये रही सलमान खान की कार, या नंबर प्लेट भी उसकी खान नेम की है। और हमारी कार की हालत तो अभी बहुत ही ज़्यादा बुरी है, तो विंडोज़ वगैरह भी ब्रोक हो चुके हैं। तो अभी बेनी को कार बोल दिया है, तो दो दिन में हमें हमारी कार मिल जाएगी और हम कार के व्हील्स वगैरह भी चेंज करने वाले और कार को एक न्यू रैप करने वाले। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो 2 से 3 दिन में हमें वापस ये गैराज में आना है ताकि हम हमारी कार लेकर चले जाए। तो अगर आपको ये कार का फाइनल लुक देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।